Ew. ये तो देवी का चमत्कार है, मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। यशोदा देवी। भैया उसे मत छुओ। क्यों? अरे तुम्हारे छूने से कहीं उस तरकारी का वृक्ष यहीं उग गया तो? मैया ने इतना सब छुआ है, यदि सारी तरकारियां उग गई तो हमारा घर तो वन बन जाएगा बाबा। हाँ, तुम्हारे हाथ में चमत्कार है, तुम देवी हो। कान्हा, अरे देख क्या रोए, देवी खड़ी है, आसन लेकर आ, जा। बिछा बिछा बिछा। अरे पधारो देवी माँ, आसन ग्रहण करो। अरे ना, आप भोजन ना बनाएंगी, आपको तो भोग लगेगो, और वो मैं और कान्हा मिलकर बनाएंगे। फिर बताती हूँ तुम्हें। फूल कहाँ से आ गए? लगता है उनका भय समाप्त हो रहा है। किसका प्रभु? वो भी कौन सकता है मुरली? हाँ वो ही है, वो वृंदा देवी। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कब दर्शन देंगे प्रभु, कब आएंगे आप? जानता हूँ तुम सबको किसने भेजा है, जाकर वृंदा देवी को मेरा संदेश दो, मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, ये वचन है मेरा। देव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभु, वृंदा देवी ने ही भेजा था इन सबको। प्रभु आपने वचन तो दे दिया, पर मैया की आज्ञा के बिना कल कैसे जाएंगे अपन? ये समस्या तो है मुरली, पर इसके समाधान के लिए मुझे आवश्यकता है वृंदावन की सभी गायों की। आज रात का समय है आप सबके पास, मेरी सहायता करो गाँव मैया। सारा चारा रात भर में समाप्त कर दो।
हे नारायण, छे छे कैसे संभव? पता नहीं महाराज, जब हम सवेरे आए तो सारी गैया और बछड़े पहले ही से खुले थे। इन्हें देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि जैसे भरपूर पेट चारा खा के अब विश्राम कर रही हो। तुम्हारा कहने का अर्थ यह है कि जिस सप्ताह भर का चारा एक साथ खा गई। धन्यवाद गौ मैया। जी देखो नंदराज, आपकी बात पर सबने कैसे हामी भरी है, जैसे अपनों दोस्त स्वीकार करो है। नंद, वृंदावन के हर घर की यही कथा है, सभी घरों का सारा चारा खा गई है। अवश्य ही किसी ने रात को इनकी रसियन को खोल दिया था। ऐसा कौन कर सकता है? अब जे मत ही कहियो कि जे भी मेरे खाना ने करो है। हाँ नहीं तो नाना जीजी, काना ऐसा क्यों करेगा भला? हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। हाँ, भूत प्रेत पिशाचों के पास तो और कछु कार्य है ही ना, रात में गैयाओं और बछड़ों को खोल के चारा खिलाते फिर। क्या मौसी? ना, मुझे लगता है जे किसी नटखट की शरारत है। पर मैं तो अचरज इस बात पे हूँ कि जे हमारी गैयाओं और बछड़ों ने सारा का सारा चारा एक रात में कैसे समाप्त कर दियो। मैं भी जे ही सोच रही हूँ। अवश्य गाँव मैयाएं सुरक्षा काकी से भी अधिक भूखी रहे होंगी। तू बस मेरे भोजन पे ही दृष्टि रख। पता है जब से वृंदावन आई हूँ दुर्बल हो गई हूँ। तब तो आपको गायों से भी अधिक भोजन की आवश्यकता है काकी। तो मैं अभी आपकी नहीं गायों की भोजन की बात कर रहा था। अब तो सारा चारा समाप्त हो गया है, अचानक से उनके लिए चारा कहाँ से आएगा? समस्या तो सच्ची में विकट है, पर समाधान हो गयो। हमें वृंदावन के वन में भीतर तक जानो होगो और गैयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजनो होगो, और ये कार्य हमें आज ही करनो है। योजना सफल हो गई। विंदा देवी, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है प्रभु। आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। तनिक शीघ्रता करो सब, गोधूली वेला से पहले वापस लौटना है हम सबको। सब तैयार है? हाँ, हम सब तैयार हैं नंदराज। हाँ बाबा, मैं भी तैयार हूँ। चलो मैया। कहाँ? मैया वन और कहाँ? कैया को चढ़ाने जाना है कि ना? ना, तू कहीं ना जा रहा है। ये लोग बहुत भीतर तक जा रहे हैं वन में। नया स्थान है, यहाँ की चुनौतियाँ कठिनाइयाँ इन सब से अनभिज्ञ हैं हम। जाने बालकों के लिए सुरक्षित है कि ना? जल्दी चलो, विलंब हो रहा है। लो जी। मैया ने तो सारी योजनाएं चौपट कर दी, अब विंदा देवी को जो वचन दिया है उसे कैसे निभाऊं मैं? मेरे प्रभु आने वाले हैं, मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी।
सुन कान्हा, एक कार्य करे। ना, आप मेरी बात ना सुनती, मैं भी आपकी बात ना सुनूंगा। इतना क्रोध क्यों रे? वन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था। मिलना था वन में किससे? ये क्या बोल रही हूँ मैंने? फिर से फंस गो बिच्छू और लताओं से, खरगोश से, हिरन से, खिलाड़ी से, वानर मराद से, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? हाँ, जैसे पूरा का पूरा वृंदावन का वन तुझसे ही मिलने की तो प्रतीक्षा कर रहे है। आपको कैसे बताऊं मैया, वृंदा देवी स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा ठीक है, वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने, हुँ? पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे, हुँ? बहुत आनंद उठाएंगे। पता कौन सा खेल खेले? रूठ कहो कान्हा। मैंने तो कितने समय तक बनाया था मैया को, जब ये रूठ गई थी, पर ये तो इतनी शीघ्र ही थक गई। मेरी तू रही था मैया, कोई खेलना खेलो, मुझे तो बन जानो है। आप ना जाने दोगी तो मैं सेम चले जाऊंगा अपने सखाओं के साथ। प्रयास भी मत करियो लल्ला, और तुम सब भी, तुम में से कोई भी बन जाने का प्रयास ना करेगा, समझ आई? हाँ। अच्छा लल्ला, मैं तुझे वचन देती हूँ, अगली बार जब बन जाऊंगी ना, तुझे साथ लेके जाऊंगी, बल्कि मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। मुझे पता है, मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे डांट के बैठा दोगी। ना लल्ला, मैंने वचन दियो ना, मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। पर हम जाएंगे कब? अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला, अभी तुम सब बताओ, खाने के लिए कुछ लाऊं? मुझे तो आज ही जानो है मैया। मीठे बुए। हाँ, मीठे बुए। ठीक है, तुम सब यही प्रतीक्षा करो, मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई। आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु? वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले। ये तो प्रतीक्षा कर लेगे मुरली, पर कंस मामा नहीं करेंगे। यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है, किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं
उससे उसको अधिक आनंद आएगा। महाराज आपने ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर था। सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग मैं उस विष्णु अवतार के विरुद्ध कर सकूं। दुर्जन, तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है, अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूंढना होगा, अन्यथा इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे। क्या हुआ काना, तुम्हें मीठे कुआ नहीं खाने? मुझे वन जाना है दाऊ। चलो ना सब चलते हैं। पर हम तो प्रतिदिन जाते हैं काना। वैसे भी वहाँ जामुन के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष ना है वहाँ के वन में। मैंने तो इतने बड़े बड़े वन देखे हैं कि क्या बताऊं। एक बार केले के छिलके को खा के कह रहे हो कि स्वाद ना है? पहली मत पूछा काना, कहना क्या चाहते हो वो बता। यही तुम सबने जो देखो है ना, वो वृंदावन का बाहरी भाग है। असली वन तो भीतर है गहराई में, जहाँ गांव के बड़े बड़े लोग गए हैं। बाबा कह रहे थे वहाँ केवल जामुन के वृक्ष ना और ढेर सारे मीठे फलों के वृक्ष है, इतना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। आपको पशु प्रिय है ना दाऊ? एक से बढ़के एक पशु है वृंदावन में, इतने छोटे से लेकर इतने बड़े बड़े हैं। प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे और बात भी मानेंगे। भूल जाओ काना, जब छोटी माँ ले जाए तो ही उन्हीं के साथ ही जाना। हमें तुम्हारी तरह ओखल से बंद कर दंड पाने में कोई रुचि नहीं है। पर दाऊ मैया ले जाएगी तब तो चलोगे ना? हाँ स्वयं भी चलूंगा और इन सबको भी लेके चलूंगा। वाह मुझ पे छोड़ दो दाऊ, आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ। चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम, हे नारायण, कहीं वन की ओर तो ना चले गए? कान्हा, बलराम, कान्हा, यशोदा, वो दोनों तो यहाँ नहीं है अब। और बलराम तो तुरई का स्वर सुनते ही तुम्हारे यहाँ चला आया था। आया था बलराम, वो ही ना सारे बालक आए थे, पर मुझे लगता है जे सारे वन की ओर निकल गए। हे नारायण, यशोदा, यशोदा, चलो सब, मैया केवल हमें वन की ओर ले जा रही है। पर काना, पर ताई जी ने सबको वन जाने से मना किया है ना? तो अरे मैया ने सेमी तो कही थी कि वो वन जाए, हम सब उनके पीछे पीछे जा सकते हैं। तो चलो अब। कान्हा, कहाँ है लल्ला?
कान्हा। सच्ची में बहुत शरारती होगा। वन को स्थान है क्या अकेले जाने का? बहुत तंग करने लगो है। अब इसे फिर से दंड देना पड़ेगा। हे नारायण, आगे तो इतना घोर घना वन है, कहीं कछु हो जाए तो, कहीं कोई पशु सामने पड़ जाए तो, इतना सा तो है, तनिक में भय ना लगो इसे। भय कैसे लग तो, रक्षा के लिए आप हो ना, मैया आगे आगे लल्ला पीछे पीछे। कान्हा, 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 कान्हा। प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। कान्हा, कान्हा आया था क्या? आप सबने कान्हा को देखो है क्या? यशोदा, क्या होगो? अरे क्षण भर पहले सारे बालक घर में ही थे। मैं तनिक पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे। कान्हा ना मिल रहे है, गांव के सारे बालक ना मिल रहे, और आपको कछु अंदर ही ना पड़ रहा। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आयो तू यहाँ? हाँ मैया, मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए हैं, आप ही तो लेकर आई हमें। मैंने क्या आई हूँ? हाँ, हमें तो वन का रास्ता भी ना पता था, हम तो आपका पीछा करते करते आए। अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी, और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना? आप ही ने तो कहा था मैं जब भी वन जाऊं तो अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। मैं जब भी वन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो बस। और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांट ना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो। मुझसे चालाकी कर तो है, हम्म? अभी बताती हूँ तुझे। रुक लल्ला, रुक। लल्ला, यशोदा ना। लल्ला रुक, लल्ला मैंने, लल्ला, लल्ला रुक, रुक। नाना मैया, फिर से डरना। तू घर चल, बताती हूँ। वैसे अच्छा ही हो ना जो कान्हा आपको यहाँ ले आयो। वृंदावन आने के बाद
आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो, आपकी कानों की शक्ति अब से दुर्बल हो गई है सुलक्षणा काकी। एक बार मैं सुनाई ना पड़ा, अब फिर से सुन लियो। मैं मैया को ना लेकर आई हो, ये लेकर आई है हमें। लल्ला यशोदा बालक है जी, खेले दो। और वैसे भी जे स्थान सुरक्षित है, किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह ना मिले। बालकों ये बाड़ के बाहर ना जानो है, भीतर ही खेलना। समझ में आई बात? समझ में आई गाना? चलो जाओ खेलो। बोला बंसी, बालकों का ध्यान रखना। चिंता मत करो भाभी, कहीं ना जाएगा गाना। तू जानती है ना उसे कस्तूरी, इसके पांव एक स्थान पर टिकते ही ना है। भोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखाए हुए, आप चलो हमारे साथ। और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखाना है जैसे आज तक ना देखे होंगे। चलो। और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलते है। हाँ। चलो बोला देखो ना कितना प्यारा है ना। क्षमा करना मैया, वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे। क्या होगो, क्या सोचने लगो है गाना? यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपी का खेलना खेलो, है ना? अरे हाँ, यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान है। गाना तो दावले हम चुपते हैं। आज तो चुप के मुझे जानवर सिखाओ, पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है। तो जाओ फिर मैं ना खेलूंगा। क्यों? हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ, आज मैं छुपूंगा। दाऊ लेंगे आज की दाऊ। हाँ तो ले लूंगा। ऐसा लगता है क्या मुझे चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे। हसलो हसलो, अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा गाना। जाओ तुम सब छुपो। एक बलराम की आंखें अनेक, ओ चतुर वही जो बलराम से छुप पाए। जो कहाँ गए सारे के सारे? चिंता मत करो जसोदा जी, छुपन छुपाई खेल रहे सबके सब। वो देखो दस, अब बस मैं आ रहा हूँ। अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे, सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे। आपने वन में प्रवेश तो कर लिया है प्रभु, पर अभी भी आपकी ये वृंदा आपके दर्शन से वंचित है। अब आप ही जाइए प्रभु। मैं तो कब से यही हूँ वृंदा देवी। मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं।
मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा जो अपनी भक्ति से गोलों की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने, रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने, और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और यह वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु, एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो, वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी। मैं वचन देता हूं द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा, और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक पाठ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए। कंस के राक्षसों के वार से राज्यों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो। कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ। बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी। इतना समय हो गया सुबह हुए। बलराम आयो ही ना अभी तक ढूंढने? पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगो। इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला, बंसी, हाँ रानी भाभी, कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया जी? बहुत उदंड होगा जी। जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा, मेरी सत्य को, मेरी दिव्यता को मैया से छुपाना होगा आपको।
कान्हा, इससे बातें कर रहा था तू कान्हा? वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री कौन सी स्त्री? यहां तो कोई भी ना है, पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है। कान्हा कोई थी ना यहाँ? हाँ हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसा रहे हो दाऊ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी और उनके पाँव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे। यशोदा, तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या? मैं ठीक से तो ना देख पाई, पर कोई तो थी। भाभी, लगतो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहा है। मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है री? मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। मैंने सच में कान्हा को उनसे बात करते हुए देखा था। सच्ची सच्ची बता कान्हा, किससे बात कर रहा था तू? इनसे। इस वृक्ष से? नहीं छोटी माँ, ये किसी स्त्री से बात कर रहा था। मैया मुझे ना पतो, क्या किस स्त्री की बात कर रहे हैं? मैं तो सच्ची ने से ही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था तू? देख असत्य मत ही बोल। असत्य क्यों बोलूंगा मैया, मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ। सच्ची मैं इनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गैया को चराने यहाँ आएंगे ना, इसी वन से चारा काट ले जाएंगे। यही पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे। तो इन सब के लिए वृंदावन से आज्ञा लेनी चाहिए ना बाबा? ये कह तो सही रो है। तो क्या ये वृक्ष तुम्हें आज्ञा देगा? हाँ दाऊ, ये वृक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन इस वृक्ष का अंग है। कान्हा, यदि आज्ञा मिल गई हो तो चले, गौजली से पहले घर पहुंचना है। चलो दाऊ। चलो चल लल्ला। कछु तो विचित्र था वहां पे, पर क्या? इससे बातें कर रहा था तू कान्हा? कौन थी वो? हमें तो लगता है अवश्य किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। मिठाइयाँ कहाँ गई?
हे नारायण, क्या हो गया सुधा? मैं सच्ची कह रही हूँ जी, कछु तो गड़बड़ है वृंदावन में। अभी यहाँ पानी का लोटा रखा था, अचानक से लुप्त होगा। जे पर मिठाइयाँ भी तो रखी थी। अच्छा ठीक है, किसी ने कछु ना लिया है, पर मैं कह रही हूँ कछु तो गड़बड़ है यहाँ। यशोदा, अधिक चिंता दुख का कारण होती है, जितना सोचोगी उतनी ही घबराहट बढ़ेगी। सही सोच रही हूँ मैं, आपको तो विश्वास ही ना है मुझ पर। और मैंने मैंने वन में किसी को देखा था, हाँ ना थी। मैं कह दे रही हूँ जी, मैं अपने लल्ला को वन के निकट भी ना भटकने दूंगी। कान्हा ने अच्छा नहीं किया ना, सबके सामने झूठा ठहरा दिया मुझे। बलराम, छोटी छोटी बातें हृदय से नहीं लगाते पुत्र, छोटा भाई है वो तुम्हारा, है ना? आप कुछ भी कहिए माँ, पर अब मैं कान्हा की किसी भी बात के जाल में नहीं फंसूंगा। उसकी कोई भूल नहीं छुपाऊंगा, उसके हर कार्य पे दृष्टि रखूंगा मैं, और छोटी माँ को सारी सूचना भी दूंगा। लो कर लो बात, अब मैया को संभालूंगा, यादव को। मैं खोलता हूँ मैया। नारायण नारायण बड़ी माँ। नारायण नारायण, आओ। छोटी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या होगा बलराम? इसका अर्थ है कि दाऊ कल की बात अब तक नहीं भूले, इससे पहले कि ये मेरा वन जाना और भी कठिन बना दे, इन्हें रोकना होगा। छोटी माँ, मैं ये कह रहा था कि दाऊ आपके लिए आसन। छोटी माँ कल ना लो दाऊ चल। क्या कर रहा है कान्हा? अपनी दाऊ की सेवा। यशोदा, दोनों भाइयों में थोड़ी अनबन हुई है, अब इसे सुलझाना तो इन दोनों को ही पड़ेगा। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो जी। छोटी माँ, ताऊ ये मिठाई खा के देखो, आपके लिए बचा के रखी थी मैंने। चाटुकारी तो नहीं चलेगी काना। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ दाऊ, ये तो मेरे दाऊ के लिए प्रेम और सम्मान है। बड़ा प्रेम और सम्मान उमड़ रहा है आज। कोलकाता ये जब सबके सामने मुझे झूठा बना दिया था। आप सब ये आवाज सुन रहे हैं? ये घुंघरू की आवाज गैयाओं को संभालने, उन्हें पंक्ति में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। और ये लाठी आपको पैदल चलने में सहायता करेगी। और यदि कोई वन्य पशु गैयाओं के निकट आ जाएगा तो ये नुकीला भाग आप देख रहे हैं, ये उन्हें दूर भगाने में आपकी सहायता करेगा। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ नंदराज, हम सब तैयार हैं। शुभकामनाएं। भोला बंसी। कितने दुख की बात है ना भैया, कि गौचारण के लिए केवल इतने से ही नौजवान तैयार हुए
जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए हैं ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए सही काम ना है, उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। ये तो बहुत अच्छी है छोटे बाबा, मैं इसके साथ खेल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले। देखिए मैं भी गौपालक बन गया। नाना गौ, गोपालक तो मुझे बनना है। पापा मुझे भी ऐसा डंडा दो ना। लल्ला, ऐसी छड़ी तो समाप्त हो गई, जब नई बनकर आएगी ना तब दूंगा तुझे, तब तक तू अपने दाऊ के साथ खेल, ठीक है? चले भैया। दाऊ, ये गोपालकों का डंडा, तनिक मुझे भी तो दिखाओ एक बार। ना दाऊ, मैं भी पकड़ के देखूं कि मैं गोपालक बन सकता हूँ कि ना। तुम गोपालक बनोगे? तुम्हें तो बन जाने की भी आज्ञा नहीं है। सर आप हो ना मेरे साथ, आप मैया को बनाने में और वन जाने की आज्ञा दिलाने में मेरी सहायता करोगे, करोगे ना दाऊ? मैं और तुम्हारी सहायता कभी नहीं। अभी तक क्रोधित हो? अच्छा ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ, अब तो मान जाओ। छोटे भाई के नाते ना सही, तो मित्र के नाते क्षमा कर दो। जिसने मुझे जूता सिख किया है वो ना तो मेरा मित्र है ना छोटा भाई। वैसे ये तो सत्य कहा, हमारा संबंध एक सखार भाई से ही बढ़कर है। लगता है आपके स्मरण कराने का समय आ गया है दाऊ। दाऊ आपको मुझे ये डंडा नहीं देना तो मत ही दो, पर एक बार इसे हनुमान जी की तरह पकड़ के तो देखो, एक बार कंधे पे रखो तो सही दाऊ, और फिर अपना एक पाँव नीचे फिर दूसरा पाँव ऊपर रखो, बिल्कुल हनुमान जी की तरह बलवान दिखोगे आप। रे दाऊ, हनुमान जी का एक पाँव आगे होता है ऐसे ना दाऊ, थोड़ा और सा। अब हाथ तक करके क्यों पकड़ू है? ये आपकी गदा है दाऊ, डंडा थोड़ी ना है। आप तो ऐसे पकड़ियों को ही लेकर भाग जाएगो। अब ये हुई ना बात, बिल्कुल हनुमान जी लग रहे हो। पाना, वो मेरा है। मुझे दो। आपका है तो वापस लेकर दिखाओ। लिया का ना,
और मेरा डंडा मुझे वापस दो, नहीं तो मैं सीधा छोटी माँ के पास जाऊंगा और सब बता दूंगा। मने समय से इन दोनों का स्वरना सुनाई दिया है ना जीजी? लगता है अनबन सुलझी नहीं है, कहीं मुंह फुला के तो नहीं बैठे दोनों एक दूसरे से। मैं देख कर आती हूँ। यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहे। अभी कुछ ही समय पहले तो खेल रहे थे, बलराम हनुमान जी की मुद्रा बना के खड़ा था, कहाँ गए दोनों? सीधे सीधे डंडा मुझे दे दो काना, छोटे बाबा ने मुझे दिया है, ये मेरा है। तुम्हें मना कहाँ कर रहा हूँ दाऊ? निकटा ले लो अपना डंडा। रुक जाओ काना। क्या हुआ दाऊ? तुम मुझे इतना भगत क्यों रहे हो? अवश्य तुमने कोई ना कोई योजना बनाई है, पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। क्या हुआ दाऊ, थक गए क्या? इतना प्रयास करना है कर लो काना, पर अब मैं यहाँ से एक तक भी आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें डंडा देना है तो दो या फिर रख लो। क्या ये भी ना जानना चाह रहे कि मैं कल किससे बात कर रहा था? कान्हा, बलराम, कहाँ हैं जे दोनों? कहाँ हो तुम दोनों? भाभी, उन दोनों को तो भाग के वन की ओर जाते देखा तो मैंने। वन की ओर? तो तूने रोका क्यों ना? मुझे लगो कि आपसे आज्ञा लेके गए होंगे, दोनों साथ में ही तो थे। पालक भी ना। चलो चिची, चलो। मेरे जिज्ञासन का लाभ उठा के मुझे फंसाना चाहते हो काना, पर इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, डंडा भी रख लो। जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ। क्या हुआ, अब तक नहीं पहचाना मुझे? श्री नारायण। अब स्वयं को भी पहचान लो। प्रभु, एक बात का खेद है मुझे। क्या हुआ शेष? आपने अपने अगले अवतार की घोषणा कर दी और मेरे बारे में विचार तक नहीं किया। मैंने आपके राम अवतार में आपका छोटा भाई लक्ष्मण बनकर आजीवन आपकी सेवा की थी, आपकी हर एक बात मानी थी। अब आप अगला अवतार मेरे बिना ले रहे हैं प्रभु। इस बार तुम मेरा साथ किस रूप में देना चाहते हो शेष? यदि संभावना हो तो। पिछली बार मैं आपका छोटा भाई बना था प्रभु, आपके पग चिन्हों पर अपने पग रखता हुआ आपके साथ चला था। इस बार आपका बड़ा भाई बनकर एक नया अनुभव पाना चाहता हूं प्रभु। तथास्तु। प्रभु, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मेरा अर्थ वो नहीं था प्रभु कि। पर मैं बिना विचार किए कुछ नहीं कहता शेष। लक्ष्मण के रूप में तुमने मेरी बहुत सेवा की थी, महल, राजपद, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी तुमने छोड़ दिया था ताकि तुम वन वन घूमते हुए मेरा साथ दे पाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बनकर वो श्रद्धा, वो स्नेह तुम्हें लौटा पाऊं, तुम्हारी सेवा कर पाऊं। कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। आप बड़े हो दाऊ, मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो?
आपका तो अधिकार है मुझ पे। ऐसा मत कहिए, आप मेरे प्रभु हैं। बलराम, ये क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई को प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये मेरे प्रभु है छोटी माँ। अरे फिर से फंस गया मैं। सत्य का, मैं भगवान विष्णु हूँ और मैं हूँ इनका शिष्यनाग। अच्छा तो तुम दोनों भगवान जी खेल रहे हो? हाँ। तो इसके लिए वन आने की क्या आवश्यकता थी? मना किया था ना यशोदा ने? बलराम, तू कान्हा के जैसे कब से होगा? ये दोनों एक से ही है यशोदा, बहुत एकता है दोनों में। ना चिच्ची, बलराम निर्दोष है, जो उसका छोटा भाई है ना, इसी का दोष है, इसी को बार बार वन आना होता है। पर मैया, ये वन थोड़ी है, वास्तव वन तो आगे है ना। अच्छा तू घर चल, मैं बताती हूँ तुझे वन कहाँ है। उदंड कहीं का ले बलराम, चल। इन्हें ना गौशाला में बांध देना चाहिए जिज्जी, तभी रुकेंगे जे। ताऊ, घर पहुंच के डंडे मिलेगा क्या? मिलेगा प्रभु, और इस बार केवल आपको ही नहीं मुझे भी मिलेगा। नटखटपन और उदंडता में बहुत कम अंतर होता है कान्हा, और जब तक तुझे समझ ना जाता, जा जाके उस कोने में खड़ा रहे, यही तेरा दंड है आज। जा। मुस्कुरा क्या रहो है? चुपचाप खड़ा रहे, हाथ भी ना हिलने चाहिए। तुम मेरा हाथ पकड़ के क्यों खड़े हो? तुम भी गए थे ना बिना बताए घर से। जाओ, आज कान्हा के साथ तुम्हें भी दंड मिलेगा। जाओ जाओ, जाके खड़े रहो वहां। जब तक हम दोनों ना कहें, यहीं खड़े रहना दोनों। समझ आई? मैया, संदेह भी होने वाली है, खेलने भी जाना है। पिछले अवतार में वनवास मिला था प्रभु, इस अवतार में दंड मिला है। आपका भाई बनने के लाभ कम है और हानि अधिक। ये तो तुम्हारी इच्छा थी ना शेष, अब भूल जा कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। भक्त और प्रभु के इस संबंध की स्मृति अब तुम्हें तभी आएगी जब उसकी आवश्यकता होगी। तब तक आप मेरे बड़ी भाई हो, इसलिए अब दाऊ की तरह व्यवहार करना होगा आपको। तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा, पर उसके लिए आपको भी छोटे भाई की तरह व्यवहार करना होगा। अब से मेरी हर बात सुननी होगी आपको। क्या? जो हमारी बात ऐसे ना सुनेंगे चिची, कोई और उपाय निकालना पड़ेगा इन्हें बन जाने से रुकने का। डांट फटकार से भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा यशोदा। ना, इन्हें जिस बात के लिए मना करो ना चिची, ये वही बात सबसे अधिक करते हैं। इतना भी नहीं समझते कि हमें कितनी चिंता होती है, और ये दोनों है कि इन्हें कोई भय ही नहीं लगता। भाई, तो
छोटा भाई होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा तुम्हें। तो फिर बड़े भाई के नाते आपको भी मेरा सदैव साथ देना पड़ेगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए जीजी। वो तो सदैव है, किंतु तुम करने क्या वाली हो? कान्हा सदैव मेरे साथ चालाकी करते है ना जीजी, इस बार मैं कान्हा के साथ चालाकी करूंगी। क्या यशोदा, किंतु सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक क्या अपने पुत्र को ऐसे ही खड़े रहने दोगी तुम? बैठो मत, हमें खड़े रहना है। थोड़ी देर बैठे दू ना दाऊ? माँ और छोटी माँ को पता चलेगा तो और भी कड़ाई डंड दे देंगी हमें। ओ दाऊ, आप मेरे बारे में मत ही बताना, और मैं आपके बारे में ना बताऊंगा। नहीं कान्हा, मैंने कहा था ना मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा, पर उचित कार्यों में, इसे अनुचित बात में नहीं। इतना पर्याप्त है, बैठ सकते हो अब तुम दोनों। पर दंड अभी शेष है, आज इस कक्ष से तुम दोनों बाहर ना निकलोगे। और खाने के लिए केवल फल ही मिलेंगे। मैया ने तो बात सुनी नहीं, उन्होंने तो बस वही किया है ना जो तुमने किया था, तुमने भी तो उन्हीं की बात नहीं सुनी थी। शीघ्र आराम कर दियो आपने, बड़े भाई वाला ज्ञान देना। अब ये बताओ इस बंद कक्ष में करेंगे क्या? खिलौने भी बाहर है। तुम जो चाहे करो, मैं तो शांति से सोऊंगा। संतरे की बात मानोगी कि ना? मैं तो बड़ा हूँ काना, नाशपति को मेरी बात माननी पड़ेगी। मानोगे ना नाशपति? ये कैसी ध्वनि है? ताऊ उठो ना, उठो, कितना सोगे? माओ ने द्वार नहीं खोला क्या? नहीं। बुखार भी नहीं लगाई? ना। तो कुछ विचित्र ही है। क्या हुआ कना, अंधेरे से भय लग रहा है? चिंता मत करो, दाऊ है ना तुम्हारे साथ। तो आपको भय ना लग रहा है? आप भी तो छोटे बालक हो। वो देखो छाया, जैसे कोई राक्षस हो। उसका आकार तो बढ़ता ही जा रहा है दाऊ, अपने हाथ भी फैला रहा है वो। हाँ ये तो सचमुच बड़ी होती जा रही है। क्या होगा, भय लग रहे है? नाना, हम तो बस उस विचित्र ध्वनि के कारण थोड़े चकित हो गए थे। कौन सी ध्वनि?
जीजी, हाँ? आपको कछु सुनाई दे रहा है क्या? वाह, ओ, जेध्वनि, जे तो हाऊ का स्वर है। हाऊ, हाऊ, हाँ, हाऊ बहुत भयानक जीव हो तो है। अधिकतर ऐसे स्थान पे बस तो है जहाँ अधिक गांव वालों का आना जाना ना हो। हाँ, और तुम जैसे छोटे बालकों पर तो बहुत शीघ्र ही आक्रमण करता है ये। पर हाँ, यहाँ कहाँ से आ गो मैया? वन से। इसीलिए तुम सबको वन जाने से मना करते हैं हम माँ है ना, तुम दोनों पर बहुत अधिक प्रेम है हमें, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हें तनिक भी हानि पहुंचाए। पर तुम दोनों यदि बिना बताए चले जाओगे तो हम कर भी क्या सकते हैं? हाऊ का सामना करना असंभव है, इसीलिए तुम्हें मना करते हैं, चेतावनी देते हैं, पर अंत में तुम्हारी इच्छा। नाना मैया, मुझे ना जानो वन। मुझे भी नहीं जाना। हे नारायण, इस हाऊ से हमारे बालकों की रक्षा करना। श्री श्री नारायण, जय श्री नारायण। आज भी ना आए ना, कम से कम मेरी आंखें मूंदने से पहले एक बार आ जाओ प्रभु, अपने दर्शन दे दो, फिर मत ही कहना कि मरने के बाद भी बुढ़िया कोसती रहती है। नारायण 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 नारायण। मैंने तो वृंदावन में बहुत भीतर तक जाकर सब कुछ देख लियो है कि कहाँ क्या है। ठहरो, अच्छे से बताता हूँ। इस स्थान पे गोचर भूमि, और यहाँ पे ऐसे ऐसे सुंदर फूलों के ढेर सारे पौधे और वृक्ष हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना करी होगी। और ये क्या है? ये स्थान तो बहुत ही अद्भुत है बलराम, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट फलों के ढेर सारे वृक्ष हैं। बाहर बालक वन की शोभा की चर्चा कर रहे थे और कान्हा और उसके दाऊ बड़ा मन लगाकर सुन रहे हैं उस चर्चा को। वन ना जाएंगे वो? अरे पर यशोदा, बाहर जाकर देखो तो सही, कितना ध्यान लगाकर सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो वन जाने के लिए बड़े उत्सुक हो। चिंता मत कीजिए नंद भैया, यशोदा ने कहा ना कि वो नहीं जाएंगे, तो विश्वास कीजिए नहीं जाएंगे वो वन। कान्हा को लेकर यशोदा इतनी निश्चिंत, वृंदावन सचमुच चमत्कारी है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे नाना नाना, यहाँ पे जाने की भी तो कभी सोचना भी मत ही। क्यों, यह हाऊ है क्या? हाऊ? ये हाऊ क्या होता है कान्हा? बहुत ही भयानक जीव होता है वसंता, सदैव विचित्र सी ध्वनि करता रहता है, और हम जैसे छोटे बालक को वही आक्रमण करता है। कान्हा सत्य कह रहा है, बहुत ही भयानक होता है हाऊ। होता होगो, पर हाऊ से भी भयानक तो वो है जो वन के इस भाग में रहती है। कौन? झाड़ू वाली बूढ़ी माई। मेरे चने के पौधों को हाथ लगाने का साहस कैसे किया?
भागो यहाँ से। फिर से इधर दिखाई भी मत ही देना, नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूंगी। दुष्ट उद्दंड बालक। उनकी तो लतार सुन के ही प्राण सूझ जाते हैं काना। अरे हमसे तो करे तो करे, वो तो अपने भगवान से भी डांट डपट के बात करती हैं। किसी ने मना करी है? कोई पहरो लगो है? आपको आना है तो आ जाओ, जितनी इच्छा है खा लो आप, पर इन दुष्ट उदंडी बालकों को मत ही भेजा करो, ये बिना पूछे मेरे चने खा लेते हैं। क्या उनकी मैया सींचती है मेरे पौधों को, या उनके बाबा बीज बो के गए हैं? मैं अपने रक्त स्वेद से सींचती हूँ इन पौधों को, ताकि आपको इनका प्रसाद चढ़ा सकूं। देखो श्री नारायण, अब मैं जाप करने बैठ रही हूँ, जब तक मेरी अस्थियों में तनिक भी बल है, मेरी भक्ति और मेरे प्रसाद का आनंद ले लो, जितना आनंद ले सकते हो आप। बरसों से मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद आप खा रहे हो ना, आनंद तो खूब आया होगा। पर फिर भी प्रभु, आप दर्शन देने क्यों नहीं आए? क्यों श्री नारायण? इस बुढ़िया के द्वारा आ जाओगे तो क्या आपके चरण घिस जाएंगे? वरना आपको तो इस बुढ़िया को सतानो है। मैंने तो ये भी सुना है, वो बुढ़िया माई हर समय अपने घर के द्वार पे ही बैठी रहती है। उसका कारण है ना बसंता, उसको विश्वास है कि भगवान श्री नारायण आएंगे और साक्षात उसके चने खा कर जाएंगे। अब तो जाना ही होगा। भूल के भी उस बूढ़ी माई के निकट मत ही जाना, क्योंकि श्री नारायण की अतीत कोई उसे फूटी आंकना स्वातो है, समझे? घूर क्या रही हो? हाँ चलो भागो यहाँ से। घूर तो ऐसी रही हो जैसे पहले कभी किसी बुढ़िया को अपने भगवान की प्रतीक्षा करते हुए कभी देखा ना हो। ओ बुढ़िया, रहने दो सुलक्षणा, नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गो है, चलो आओ। नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गो है। सुन लिया प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, लोग मुझे विक्षिप्त और बावली समझते हैं, कम से कम एक बार बावली समझ कर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु, कम से कम एक बार बावली समझ कर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु। काना कहाँ जा रहे हो? किसी ने बुलाया था तुम्हें? मैया बुला रही है दाऊ। पर छोटी माँ तो घर के भीतर है। बस बहुत होगा खेल, अब सब खाने के लिए आ जाओ। नारायण 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 नारायण। क्या सोच रहे है? आना और सुनो, किसी ने एक तृण भी थाली में अन्न का छोड़ा ना तो देख लो फिर सबको तीखी मिर्ची खिलाऊंगी। आप आ क्यों नहीं रहे हैं? इतने स्वादिष्ट है मेरे चने, दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े, बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। लल्ला आराम कर, अभी पेट भर के खा लिया तो बूढ़ी मैया के हरे चने कैसे खा पाऊंगा मैं? तुम लोग खाओ, मैं तुम सबके लिए छाछ लेके आती हूँ। हमारा हलवा समाप्त होने वाला है और तुमने अभी आरंभ भी नहीं किया काना। चिंता मत करो दाऊ, आप अगला दिवाला खाओगे उसके पहले ही मैं पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा।
अरे वाह, तुम सब ने तो अपना हलवा समाप्त कर लियो। चलो आ जाओ, अब छाँच लो। अरे अरे अरे, भीड़ मत लगाओ, सबको मिलेगा। खाना खा जाओ। बलराम, तेरा भाई कान्हा कहाँ है? अभी तो यही था मैया, सबसे पहले अपना भोजन समाप्त किया था उसने। हाथ धोने बाहर गया होगा। कान्हा, कहाँ चला गया? कान्हा, वो रहा कान्हा। कान्हा रोक, हाउ वाला उपाय भी असफल रहो। जीजी यशोदा, मैया, ये तो हाउ की सुनी है। मैया ने सच्ची कही थी, मन में बहुत सारे हाउ है। आपकी लीला आप ही समझ सकते हैं प्रभु। जो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वो अपनी मैया के काल्पनिक हाव से भयभीत हो रहे हैं। मुझे मैया की बात माननी चाहिए थी। क्या तो आगू मैं, पर वन में और भी तनाव जानो चाहिए मुझे। हे नारायण, तनिक भी दया ना आती आपको? क्यों इतने कठोर, इतने निष्ठुर हो गए हो आप? अब दे दो ना दर्शन इस बुढ़िया को। अब आप ही जाओ प्रभु, मरने से पहले एक बार इस बुढ़िया को अपना मुख दिखा दो प्रभु। कृपा कर दो, कृपा कर दो, अपना मुख दिखा दो प्रभु। कृपा कर दो, कृपा कर दो। यशोदा, क्या हो गो? कान्हा फिर से वन की ओर भाग गए है। पर तुम्हें तो पूरा विश्वास था ना कि वो बन ना जाए। देखो जी, ताना बाद में दे लेना, अभी साथ चल के ढूंढो उसको। कान्हा, नारायण 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 नारायण, प्रतीक्षा प्रतीक्षा, दर्शन दे दो नारायण नारायण। कान्हा, 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 क्यों इतनी प्रतीक्षा करा रहे हो प्रभु? आ जाओ प्रभु, दर्शन दे दो प्रभु। दंडी, ये क्या कर रहे हो तू? चने खा रहा हूँ मैया। तूने अनुमति लेने की भी आवश्यकता ना समझी? आपने तो कही थी मैया, आके जितनी इच्छा हो चने खा लो, इसीलिए खा रहे हो। बावला हो गया है क्या?
मैंने कब कही तुझसे? आपने तो यह भी कही थी कि दूर दूर से सब बालक दौड़े चले आते हैं चने खाने, एक मैं ही ना आतो। दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े, बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। वैसे मुझे पता नहीं था मैया कि मेरा स्वागत आप झाड़ू से करेंगी। नहीं नहीं प्रभु नहीं। श्री नारायण, क्या ये सत्य है? आप सच में यहाँ है? और ये मत ही कहना कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। लो, मैंने तो चने समाप्त भी कर दिए और आपको अब तक विश्वास ना हुआ। इसका अर्थ है कि आप सच्ची में आप ही हो। प्रभु, मेरा मन कर रहा है कि बहुत तीव्र स्वर में चिल्लाऊं, जो मुझे विक्षिप्त और बावली बुलाते हैं उनको मुझे कहना है कि मैं बावली ना हूँ। देखो देखो, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री नारायण आ गए, मेरे घर बैठे हैं। देखो, मैं बावली ना हूँ, मैं बावली ना हूँ, मेरे प्रभु श्री नारायण मेरे घर बैठे हैं, मेरे साथ हैं। कान्हा, कान्हा, देखो वो यही है मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे साथ है मेरे प्रभु, मैं बावली ना हूँ। ये तो वन में रहने वाली बूढ़ी माई का स्वर है, कहीं कान्हा उन्हीं के साथ तो ना है? बूढ़ी मैया, चने तो समाप्त हो गए। लाइ प्रभु, अभी लाइ। चलो उड़ो उड़ो, हटो हटो, मेरे प्रभु का है। रुकिए, और वो चिड़िया मेरी है और मैं सबका हूँ। जो भी पंछियों को, भटकते पशुओं को, बालकों को, निर्धनों को दिया जाता है वो मुझे ही तो मिलता है मैया, क्योंकि मैं सब में हूँ और सब मुझ में। क्षमा करना प्रभु, स्वार्थी हो गई थी मैं। सचमुच आपकी भक्ति अनोखी है, आपने स्वार्थ भी दिखायो तो अपने लिए ना मेरे लिए। पर बूढ़ी मैया, दूसरे के साथ बांटने में ही तो सच्ची में तो प्रसन्न होता हूँ मैं। समझ गई प्रभु, मैं समझ गई। भूखी है ना तू? तू भी ले ले, ले ले। आ। आओ भैया, यहाँ बैठो। एक बात बताओ प्रभु, आपने इस बुढ़िया को इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? मैंने प्रतीक्षा ना करवाई, मेरी मैया को ना जानते आप, मुझसे बात प्रेम करती है वो।
मेरी सुरक्षा के चिंता के कारण कहीं आने जाने नहीं देती है मुझे। आज भी बिना बताए आए हैं जी यहाँ, मेरे मना करने के बाद भी। मैया का सर, ये क्या सुनाई दे रहा है मुझे? क्योंकि तेरी मैया स्वयं खड़ी है यहाँ। देखो बूढ़ी मैया, मेरे बाबा और मैया लेने आए हैं मुझे। तुझे कितना भी समझा लो, कितना भी भयभीत कर लो, तू सुनने वालों ना है, हैं? मेरी प्रभु के साथ ऐसो व्यवहार जो अनुचित है लल्ला, ऐसे बिना बताए तुझे ना आना चाहिए था। तुम सब ऐसे डांट क्यों रहे हो इन्हें? मैंने बुलाया था इन्हें। देखो मैया बाबा, इन्होंने ही बुलाया था मुझे। अब आप ही बताओ, यदि मैं यहाँ ना तो इनका मन कितना दुखी हो जाता। बहाने मती बना कान्हा, आज के पहले तू इन बूढ़ी माई को जानता भी ना था। अरे लाली, मैं तो इन्हें 40-50 वर्षों से बुला रही हूँ, पर आज आए हैं ये। 40-50 वर्ष? माई, मेरा लल्ला केवल 4 वर्ष का है। तू भी विचित्र है लाली, जिनका ना कोई आदि है ना अंत, उनकी आयु गिन रही है। आप कहना क्या चाहती हो माई? यशोदा, एक तो ये बूढ़ी है और दूसरा इनके बारे में पता चलो है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक ना है, या हमारे कान्हा को कोई और समझ रही। कान्हा, अब चल। चल तो हूँ मैया। प्रभु, अभी अभी तो आए थे, इतने शीघ्र छोड़ के जा रहे हो। यदि आप सच में चाहती हैं कि मुझसे दोबारा बिछड़ना ना पड़े, तो आप काशी जाओ माई, वहाँ मणिकर्णिका घाट पर अपनी तपस्या पूर्ण करो। जब उचित समय आएगा तो मैं स्वयं आपको अपने आप में लीन कर लूंगा। और हाँ, आपके यहाँ जाने के बाद भी आपके खेत की देखभाल होती रहेगी। इसे गहवर वन के नाम से जाना जाएगा। अब चल भी कान्हा, चल। देख लल्ला, कारण चाहे जो भी हो, तुझे वन में ना आना चाहिए था। कार्य तो तूने अनुचित करो है कान्हा, परंतु तेरे आने से बूढ़ी माई प्रसन्न हुई, उन्हें आनंद मिलो, इसीलिए तुझे ना डांट रहा मैं। मैया, आप ही नहीं डांटोगी ना? आप पक्का क्रोधित भी नहीं हो ना मुझसे? ना। तो फिर चलो दौड़ लगाओ, दिखते हैं पहले कौन घर पहुंचता है। कान्हा, कान्हा, कान्हा सुन तो। कान्हा, आज ना रुकूंगा मैं। कान्हा, कान्हा, मैंने कही रुक।
अकेले वन के भीतर चला गयो तब भय ना लगो, हुँ? अब हमारे साथ है तो भयभीत हो रो है। हाँ मैया, हाँ। चिंता मत ही कर लल्ला, कोई हाउ ना है, हाउ हो तो ही ना है। अब तो तू घर आ गया है ना लल्ला, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है, हुँ? तू बैठ, मैं जल लेके आती हूँ। प्रभु को भय कैसे लग सकता है? हाउ? तुमने कान्हा को वन में जाने से रोकने के लिए ये उपाय निकाला? मुझे ना पता था जी कि चेता भयभीत हो जाएगा। बालकों को भयभीत करने का ये तरीका सही ना है यशोदा। यदि एक बार उनके मन में ये भय बैठ गई तो उनका आत्मविश्वास खो जाता है और जीवन में कछु भी कार्य करने से पहले उन्हें हिचक होती है। ऐसे बालक जीवन में पीछे रह जाते हैं। मैया बाबा होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो हम उस भय को निकालें और उन्हें वीर बनाएं, उन्हें संसार का सामना करना सिखाएं। अब तो समझ गई ना जी, अपनी भूल सुधारूंगी मैं। कैसे? आप हाउ से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? आप तो सभी के भय मिटाते हैं। पूरे संसार को अंधकार में ढकेलने वाले भयानक असुर हिरण्याक्ष से भी भयभीत नहीं हुए थे आप। पहरा बनकर उनका संहार किया था। राक्षसों के राजा रसानंद रावण से भी भयभीत नहीं हुए आप। राम बनकर उसका भी वध किया था। तो आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? तुझे बचाने का स्थान पर फिर से फंसा दिया दाऊ। बलराम ने तो प्रभु का पूरा रहस्य उजागर कर दिया, अब यशोदा क्या करेगी? जिसने भगवान जी खेल के सीखो है, या जे सब आपने सिखाए हुए? कोई भी कार्य करते समय या इसे सुलाते समय जब ये हट करने लगता है ना, तो मैं उसे पुराणों और उपनिषदों की कहानियां सुनाती हूँ। इसने उन सारी कथाओं को स्मरण रखा है और आज अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग कर रहा है। ये सब देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ यशोदा। बाल बाल बज गए दाऊ। अच्छा ही हुआ कि मैया को कोई संदेह नहीं हुआ, अन्यथा कोई ना कोई अनोखा निर्णय ले लेती है ये। मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है, मुझे अपनी भूल कैसे सुधारनी है, अपने कान्हा को अनुशासित कैसे करना है, इसे शरारत करने से कैसे रोकना है, इसे पढ़ा लिखा के इसकी शिक्षा आरंभ करने का समय आ गया है। अरे मैया बिना अभी तो कछु और सिखाना है मुझे।
मैं कान्हा की शिक्षा कल किससे आरंभ करूं? गिनती से? ना, वर्णमाला से। हाँ, कल मैं इसे स्वर सिखाऊंगी। योजना कल सुबह बना लेना यशोदा, सो जाओ अभी। तभी ना समझते जी, योजना तो अभी से बनानी पड़ेगी ना, सुबह तो पढ़ाई आरंभ होगी कान्हा की। यो कर लो बात, अब गोपालक कब बनूंगा मैं और कैसे? विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा महाराज, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए कुछ अवश्य भोजन के कारण कुछ। ऐसा क्या खा लिया दुर्जन जो बता नहीं पा रहे? मेरी दुर्बलता तो एक ही है महाराज, मिठाइयाँ। जब वो मेरे समक्ष होती है तो रहा नहीं जाता। जो सबसे अधिक प्रिय हो यदि वही विष बन जाए तो खुद की रक्षा करना कठिन हो जाता है दुर्जन। सही कहा महाराज, आगे से स्मरण। उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है? पता नहीं महाराज। पता करो तुम जाओ मेरा गुप्तचर बन के वृंदावन और पता करो ये उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है। पंडित वाला किसान जिस बेस में जाना है जाओ, किंतु एक दिन के भीतर भीतर मुझे सूचना दो किसी भी मूल्य पर। जाओ क्या होगा तुम सबको? प्रभु जब से आपने गौपालक बनने की इच्छा प्रकट की है हम सबके लिए एक एक क्षण भी काटना कठिन हो गया है। भूख प्यास सब मिट गई है प्रभु, जब आप गौपालक बनेंगे तो हमें आपके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बस इसी आशा में हम सब व्याकुल हैं प्रभु। चिंता मत करो, मैं तुम सबके साथ बहुत सारा समय बिताऊंगा। शीघ्र ही गोपालक बनूंगा मैं। आ आ ई ई ओ ओ क्या हो गया यशोदा? ना वो तो मैं बस। और एक बात बताओ, तुम वर्णमाला का अभ्यास कर रही हो भी इतनी सुबह सुबह, और ये क्या बना रही हो? कछु ना है। अरे दिखाओ ना। नंदराज वो गौशाला में आपकी आवश्यकता है। आ तो से पहले कि काना हो जाए मैं से सभी तैयारियां कर लेती हूँ।
पहले तो सब चारा समाप्त कर दिया था, अब कछु ना खा रही है। लगता है बन की घास का स्वाद भूल गए ने। तब तो हमें गौचारण आरंभ करना पड़ेगा। पर वो भी इतना सरल है नंदराज, गौपालक कम है और गैयाएं अधिक हैं। अभी कली वन में दो गैयाएं भटक गई थी, बड़ी कठिनाई से मिली है। तब तो हमें गौचारण के लिए नए बालकों को प्रशिक्षण देना हो। मैं हूँ ना बाबा, और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा, अपने डंडे के साथ तैयार हूँ गोपालक बनने के लिए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। हमें गोपालक बनने दीजिए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। बंसी, भानु, यदि हमारे घर के बालक गौपालक बनेंगे तो अन्य गोप परिवारों को प्रेरणा मिलेगी, फिर धनवान गोप गोपियां और उनके बालक इस गौपालन के कार्य को तुच्छ ना समझेंगे। सही कह रहे हो नंदराज, ऐसो करने से अन्य बालकों को प्रेरणा भी मिलेगी। हाँ, और काना अनुशासन भी सीख पाएगा और इसका नटखटपन भी कम हो जाएगा। पर मैं नटखट थोड़ी ना हूँ, तुम बताओ मैं नटखट हूँ क्या? देखो आपने, ये भी मना कर रही है। बाबा, इन सब गैयाओं ने मेरी पुकार का उत्तर देना आरंभ कर दिया है। ये अच्छे गोपालक का चिन्ह है ना? तो तुम दोनों का प्रशिक्षण आज से ही आरंभ होगा। पर जे तो कुछ समय बाद भी हो सकते है ना? आप तो जानते हो, आज से मुझे इसे पढ़ाना लिखाना आरंभ करना है। यशोदा, तब मुझे लगा था कि तुम इन्हें मेरी तरह पुराणों की शिक्षा देना चाहती हो। पर जे तो और भी अच्छा है ना चिज्जी, एक बार जे पढ़ना लिखना सीख जाए फिर सारी कथाएं भी स्वयं पढ़ेगो। बड़ी माँ, आप तो जानती हो मैया जब भी कछु नया सोचती है अतिकाई सोचती है। और तू सवेरे सवेरे उठते ही यहाँ क्यों चलायो? ताकि पढ़ाई ना आरंभ करनी पड़े, इसीलिए ना? पर मैया मुझे बहाने मत ही बना, चल अब। यशोदा, मुझे सब पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। देख जानकी, कान्हा को पढ़ाने की बात किसी को बताने की सोचो भी मती। कान्हा, तू स्नान के लिए चल, मैं आती हूँ। जा। जानकी, सुन। हाँ? कान्हा को पढ़ाने में मेरी सहायता करेगी? हाँ? मुझे ना वर्णमाला से आरंभ करना है आज। मैं चाहती हूँ कि वर्ण से आरंभ होने वाली सारी वास्तविक वस्तु दिखा दिखा के उसे समझाओ, शीघ्र समझ जाएगा। जैसे क से केला। समझ गई भाभी, वर्णमाला के सारे वर्णों से आरंभ होने वाले सभी वस्तुएं और लिखाई पट्टी और खड़िया भी चाहिए। भोला बंसी को बोल शीघ्र ले। अभी लिख रहा था। कान्हा, बाहर जाने का प्रयास भी मत ही करना, समय व्यर्थ करना अच्छी बात ना है। लल्ला, जा जाके स्नान की तैयारी कर, जा। वहीं ठहरो। मिल गई। बस ही पंखुड़ी।
ये मिल गई ख से घंटी। अरे फूला, जसोदा भाभी ने तुम्हें लेखन पट्टी और खड़िया लाने को कही है, शीघ्र ले जाओ। तो इसने मुझे कोई और समझा, बच गया। वसे बेरिन, कस्तूरी। अरे अरे क्या कर रही है, मैं आज ही हाथ से लाई हूँ, तो तू दूसरी ले ले। काना की पढ़ाई के लिए वस्तु इकट्ठी करनी है। हाँ, काना की पढ़ाई के लिए। हाँ, आज जसोदा भाभी काना की पढ़ाई आरंभ कर रही है। पढ़ाई? हे नारायण, मैंने मना किया था किसी को भी बताने से। अच्छा सुन कस्तूरी, मैंने केवल तुझे ही बताया है, किसी और को मत ही बताना। चल, मैंने केवल आप ही को बताया भाभी, आप किसी को मत बताना। किसी और को मत ही बताना तुम सब। बहुत अद्भुत होगा वो दृश्य, मुझे जाके देखना चाहिए। अच्छा लल्ला बता, तुझे सबसे अधिक क्या प्रिय है? मेरी प्यारी सी मैया। मैया? लल्ला, तुझे क्या और कौन का अंतर पता है कि ना? मैंने जे ना पूछा तुझे कौन प्रिय है, मुझे जे बता तुझे क्या प्रिय है। ऐसी कोई वस्तु जो तेरे पास ना है पर तुझे पाने की इच्छा है। लड्डू। लड्डू? बेसन के। कभी बेसन के लड्डू, कभी नारियल के लड्डू, कभी बूंदी के लड्डू। भूल हो गई मुझसे, मुझे तेरा नाम लड्डू रखना चाहिए था, लड्डू कहीं का। यदि लड्डू चाहिए तो ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ आई? सुनो, तुम कौन हो जी? वो अच्छा भोला ने भेजो है क्या? ले आओ ले आओ। पहले तो कभी ना देखो है तुम्हें, भोला के संबंधी हो क्या? नाना मैया, ये तो मेरे संबंधी है, जैसे भाई का मित्र भाई, काका का मित्र काका, वैसे भी मामा का मित्र मामा हो ना, है ना मामा जी? इसे कैसे पता चला कि मुझे इसके मामा महाराज कंस ने भेजा है? चुप हो जा, कछु भी बोलतो है जे तेरे मामा ना है। यशोदा जी जी, औषधि है का? देखो ना कांटा लग गो। इसमें से तो रक्त निकल रहा है, रुक रुक। चेले, इसे लगाते ही पीड़ा झट से लुप्त हो जाएगी। जीजी, जीजी, यशोदा जीजी, थोड़ा घी मिलेगो, मेरे यहाँ समाप्त हो गो है। ठहर अभी नहीं। चेले, यशोदा भाभी, वो तनिक हल्दी मिलेगी, वो पता नहीं मेरे यहाँ कब समाप्त होगी। हाँ हाँ ठहर अभी लाई। यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, वो थोड़ी दाल मिलेगी क्या? और चावल भी। किसी को घी चाहिए, किसी को हल्दी, तो किसी को चावल और दाल। जे कौन सी खिचड़ी बना रहे हो तुम सब मिलके? नन्ना जी,
बताओ भाई, और सच्ची सच्ची बोलो ये सब क्या चल रहा है। क्यों आई हूँ यहाँ? मैं बताऊँ भैया, ये सारी की सारी मुझे पढ़ते हुए देखने आई है। पर तुम्हें किसने बताया कि भाभी वो मैं रहने दो, कोई आवश्यकता ना है। मैं समझ गई जे किसकी करनी। क्षमा करना भाभी, वर्णमाला के वर्णों से संबंधित सभी वस्तुएं तो ना ला पाई, पर इन सब को तो ले आई। अब इन्हें साथ लो और जा जा। यशोदा हमें भी तो देखने दो, तुम काना को कैसे पढ़ाती हो। हाँ, और जब हम आपको समझाते देखेंगे तभी तो अपने लल्ला को पढ़ा पाएंगे। हाँ भाभी, मान जाओ ना। मैया आप तो जानती हो इस सारी गोपियाँ मुझसे कितना प्रेम करती है, और मुझे भी बहुत प्रिय है ये। गोपियाँ भी प्रिय हैं इसे। तो कहना क्या चाहते है? इन सबको यही रहने दो ना मैया, इनकी ओर से मैं वचन देता हूँ कि अब कोई व्यवधान नहीं डालेंगी। ना डालोगी ना? हाँ मैं डालेंगी। सबके सामने कैसे पढ़ाऊंगी? हाँ, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास ना है कि आप हम सबके सामने पढ़ा पाओगी या ना, तो ये बात और है। हाँ, क्यों ना पढ़ा पाऊंगी। अब तुम सब बैठो, देखो और सीखो कि अपने लल्ला को कैसे पढ़ाते हैं। हाँ नहीं तो बैठ जा लल्ला। ठहरो मैया, मेरा अर्थ है गुरु माता। आप बैठो यहाँ। गुरु का स्थान तो ऊंचा होता है ना? अरे वाह, ये तो बड़ो चतुर हो गए है। लल्ला, अब इससे पहले कि हम आरंभ करें हमें बुद्धि दाता श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए। ओम गणेश नमः। बस यही लीलाएं देखने के लिए तो मैं वृंदावन में बसा हूँ कान्हा। अब वर्णमाला आरंभ करने से पहले हमें विद्या की देवी मैया सरस्वती की प्रार्थना करनी चाहिए। जय हो मैया सरस्वती की, जय हो। जय हो। कैसी लीला है प्रभु, भविष्य में जो संपूर्ण संसार को गीता के ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले उन ज्ञान स्वरूप पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को मैया यशोदा पाठ पढ़ाना चाहती हैं। जी ना लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल। पर मैया उदे तो मुझे विद्या मिली ना है, जब मिल जाएगी तो मंत्र बोल दूंगा मैं। फिर से आरंभ होगा तेरा नटखटपना। चल लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल के उनकी वंदना आरंभ कर।
पर मैया मुझे तीखे स्वरण ना है, कछु गड़बड़ हो गई तो? अच्छा ठीक है, मेरे साथ बोल। ओम महासरस्वत्ये नमः। जो इस मंत्र का आधार है, आज इन्होंने इसका उच्चारण करके इसको और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मैं आशीर्वाद देती हूँ, यदि कोई मेरे इस मंत्र का उच्चारण करने के स्थान पर हरे कृष्ण पुकारेगा तो उसे भी इसी मंत्र के समान फल मिलेगा। अब आरंभ करते हैं। लल्ला, जे वर्णमाला है लल्ला, पढ़ने लिखने और विद्या का आधार, इसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर से आरंभ करेंगे। अ आ आ ई ई उ उ री ए आई ओ ओ हम आहा। तुझे कैसे पता? आप ही नहीं तो सिखाया है मैया? मैंने कब? कल रात से सिखा रही हो आप, रात को सोने से पहले। आप यही तो बोल रही थी, सुबह उठते ही फिर से डर आने लगी, और तो और चांद कराने समय भी आपके मुंह पे यही था। इतनी तीव्र बोल रही थी क्या मैं? पर अपने आप इतना ही सीख पाई हूँ मैं, इसके बाद का ना तो मैया। तो क्या होगा, मैं हूँ ना, मैं सिखाती हूँ। अब बारी है व्यंजन की। क से कबूतर। करेला। क से कबूतर। ख से खरगोश। खरगोश। ग से गैया। अरे मैं तो भूल ही गयो, मैया को गौपालक बनने के लिए मनाना था। ऐसे पढ़ाई करते रह गया, टुकता हूँ तो गौपालक बन भी जाएंगे। बलराम, इस तरह गैयाओं और बछड़ों को नहलाया जाता है, समझ गो? और भोजन छोटे बाबा, वो कैसे खिलाते हैं? चारा डालने से पहले गुड़ मिलानो होता है। मैं बता तू, जेले डाल, बस अभी इसमें से चारा निकालो। अब गुड। ऐसे ना डालो जातो, इसे पीस कर डालो जातो है। लो, इसे ऐसे पीस कर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, पकड़। और फिर इसे चारे में मिलायो जातो है। हो गयो, जा गैयाओं को खिला दे। ये तो मेरे हाथों से क्यों खा नहीं रहे हो छोटे बाबा? और गुड़ मिलाऊं क्या? ना ना, गुड़ पर्याप्त है, हमें अधिक गुड़ भी ना मिलाना चाहिए। अधिकता मानव के लिए हो चाहे गैयाओं के लिए बुरी ही होती। एक बार पुनः प्रयास करो। लो अब खाओ। बाबा ये तो अब भी नहीं खा रहा। नारायणी जाने क्या हो गया इन्हें। काना, तेरा ध्यान कहाँ है लल्ला? घर से घर। घर से घर।
अद्भुत लीलाधर की लीला, अद्भुत इनके रंग। स्वयं ब्रह्मा आज सीख रहे हैं ज्ञान। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.